नाम है बलमुआ सन की आशिक, जो भी एक सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित होगी और एक मैसेज देगी। ये फिल्म भोजपुरी फिल्म होने के बावजूद ये कि मैसेज देगी, आज भोजपुरी फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन ये फिल्म एक मैसेज देगी। और मुझे इसका नारियल फोड़ते समय बड़ी खुशी हुई कि मेरे दोस्त गोविंद सजनवा और श्रीवास्तव जी मेरे बहुत करीबी रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये श्रावण का महीना है और बैनर का नाम विश्वनाथ है और आज सोमवार है, तो ये संयोग है कि बहुत ही अच्छे मुहूर्त में इसका उद्घाटन हो रहा है और इसकी सफलता की गारंटी खुद शंकर जी देंगे। सारे स्टाफ को इनके शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बस्टर होगी और फिर हम नई फिल्म की शुरुआत करेंगे। पहले अपने पूरे भोजपुरी समाज के प्रणाम। हम गोविंद सजनवा, जो कि मैं अपने विश्वनाथ फिल्म हाउस के बैनर तले बना रहा हूँ फिल्म को, जिसका नाम आप लोग देख रहे हैं कि बलमा सन की आशिक। और ये हमारी जो फिल्म है, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो अभी मोदी जी निकाले हैं स्वच्छ भारत के अभियान, तो हम लोगों के दिमाग के स्वच्छता के लिए इसमें एक एजेंडा है इसमें। और जो देख रहे हैं आप लोग बीच पे, तमाम अभी लड़कियां लोग देखते हैं आप ड्रिंक करती हैं और सीक्रेट कॉलेज में निकलती हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सबसे ऑडियंस से, मेरा निवेदन है आज के जो जनरेशन है कि हर चीज़ मीडिया और हर चीज़ पुलिस प्रशासन, हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। आप लोग भी कुछ इसके लिए आप लोग आगे आओ, इसको रोको आप लोग। इससे क्या होता है, दिमाग में वायरस फैलता तो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि एक अच्छी सामाजिक फिल्म है, आप लोग देखेंगे इसको और आप लोग सब प्यार देंगे हमारे पूरे टीम को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारा महानगर के एडिटर साहब को कि जो हमारे पूजा में आए और आशीर्वाद दिए। शूटिंग का शुरुआत हम यूपी में करेंगे, इसी हम बनारस, मिर्ज़ापुर और अपने ज़िला जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम जन्मभूमि भदोही ज़िला से, ये शुरुआत वहीं से करेंगे हम और सारी चीज़ें इससे वहीं। आपकी किस तरह की भूमिका होगी इस फिल्म में? मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर निर्माता हूँ और ये सब हमारे कलाकार हैं। कब तक लाने का प्लान चल रहा है? जी अभी मैं इसको दिवाली के आसपास उसी समंदर में, अभी बारिश हो रही है आप देख रहे हैं, बारिश में शेड्यूल तो कर नहीं सकते, इसके वजह से बारिश के बाद ही हम इसको। इसके अलावा और भी कोई फिल्म पे आपका प्लानिंग चल रहा है? हाँ, मेरा फिल्म एक प्लानिंग चल रही है जिसका नाम है काशी पुत्र, इसे भी ब्लास्ट करने वाली मूवी है, सब बड़ी मूवी, चूँकि हमारे लिए मेगा स्टार की मूवी है जो है हमारे, उसमें दिनेश लाल यादव जी भी रहेंगे, उसमें रहेंगे नीरव जी और बड़ी फिल्म है, तो अभी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद वो करेंगे, वो भी लाइन पे ही है। इतनी कम उम्र में फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि तमाम लोग हैं? देखिए उम्र का बात नहीं होती है, तो ऑडियंस का दुलार है, तो सबसे बड़ी बात स्ट्रगल होना चाहिए, सही ढंग से स्ट्रगल होना चाहिए। मैं आप सभी आर्टिस्ट को निवेदन करता हूँ, कोई भी दिशा हो स्ट्रगल सही दिशा में होना चाहिए, अपने दिमाग को एकत्रित कर लो आप, चूँकि आपका दिशा क्या आपकी राह और वही आपकी राह ही चाह बनती है। मैंने स्ट्रगल किया, मैंने साप्ताहिक पत्रिका का चीफ रिपोर्टर भी रह चुका हूँ, मुंबई से हूँ और सिंगिंग करता था, सिंगिंग से तो लोगों का प्यार, लोग सम्मान बना, फिर मैंने वहाँ से शुरुआत किया कि जो ऐसे आदर्श हमारे साथ में है और जो भी आज हूँ मैं, आज भैया की देन है, सर की देन है, बाकी सब कुछ मेरा आदर्श, मैं इनको ही मानता हूँ, कोई मार्गदर्शन। तो सब अभी स्क्रिप्ट पे काम हो रही है और इसके फाइनल होने के बाद फिर बहुत सारे चेंजेस हैं, तो है सब मार्केट की हैं, मार्केट के न्यू सबको लेके चल रहे हैं। फिल्म में गाने कितने हुए? गाने सर 8 गाने जो होते हैं, 8 गाने हैं। बाकी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म की हीरोइन कौन सी होगी? फिल्म का टीम तो हम लोग अभी तो क्या है, आज मुहूर्त हुई है, अभी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमन सलोक जी, वो गाने बनाएंगे और बाकी के सारे टीम अभी इकट्ठा करेंगे सारे धीरे धीरे, तो अभी मुहूर्त के बाद फिर स्क्रिप्ट पे चलेगी, क्योंकि हम लोग 1-2 महीने से गोविंद सजनवा जी जो हैं हमारे प्रोड्यूसर, इनके साथ हमारी मीटिंग चल रही थी, तो जाके आज जाके हमने नारियल फोड़ा, मुहूर्त हुआ। ये सामाजिक फिल्म है और बहुत साफ सुथरी तरीके से बनाई जाएगी फिल्म और यूपी में शूट होगी, ये सारी हम लोगों की प्लानिंग है, अच्छे ढंग से बनाई जाएगी। देखिए साफ सुथरी तो फिल्म बनती है और चलती भी हैं, अगर आप मनोरंजन अच्छा हो, गाने स्क्रिप्ट अच्छी हो, कलाकार अच्छे हो, तो निकलती है पिक्चर। दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिक्चर जैसे कंप्लीट होती है आप लोग देखिएगा जरूर। अनिल विश्वकर्मा जी हैं और मेरे कई फिल्म लिख चुके हैं, इंस्पेक्टर चांदनी,
उसके बाद करम युग अभी रिलीज़ होने वाली है रितेश पांडे की, उसके बाद तकरार, बनारसी पहलवान, उसके बाद ये पिक्चर जो है तो ये लिख रहे हैं। जैसा हमारे प्रोड्यूसर साहब गोविंद जी ने बताया, बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ टाइटल पे दो लाइन बोलना चाहूँगा, सन की आशिक है बलमा सन की आशिक, लेकिन बलमा को अगर हटाया जाए तो सन की आशिक पाते हैं। सन की आशिक दो तरह के होते हैं, एक सन की आशिक वो होता है कि जो अपने परिवार की या अपने माँ बाप की या किसी की परवाह किए बगैर एक किसी खास वस्तु के लिए पागल हो जाता है, चाहे वो लड़की है या जो भी है। लेकिन इसमें जो है जो आशिक है वो कुछ अजीब तरह का आशिक है कि जिसको पूरे समाज से पड़ी है, पूरे समाज को एक मैसेज देना चाहता है, पूरे समाज को सुधारना चाहता है, इसीलिए उसका नाम है बलमा सन की आशिक। जो सन की दरोगा फिल्म आई थी, हाँ जी रवि जी की, जी जी जी, कहानी कुछ मिलती जुलती नहीं, बस यही है कि टाइटल मिलता जुलता है, कहानी कुछ नहीं मिलती जुलती। सबसे पहले अमन श्लोक का सादर नमस्कार आप लोगों को, जितने भी मीडिया कर्मी इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए। अभी हमारा महानगर के एक वरिष्ठ अधिकारी साहब कह रहे थे कि आज बड़ा ही शुभ दिन है, सोमवार भी है और सावन मास में, और विश्वनाथ क्रिकेट बैनर भी है हम लोगों का है, तो सचमुच ये बहुत बड़ा संयोग का दिन है और हम कलाकारों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोगों का। रतन जी के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये बहुत मेहनत करते हैं, चाहे स्टार कास्ट छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा स्टार कास्ट हो तो भी उतना ही मेहनत करते हैं, छोटे पे भी उतना ही फेथ करते हैं, उतना ही प्यार से काम निकलवाना इनको आता है, हर सब्जेक्ट को बहुत संजीदगी से काम करते हैं और म्यूजिक बनाने के लिए बहुत जो प्रोवाइड करना होता है सब कुछ बहुत करते हैं और बहुत मेहनत, लेबोरियस डायरेक्टर में संगीत से बद्ध किया हुआ थमके बरस, जरा थमके बरस मेरा महबूब आने वाला है, एक सुपरहिट सॉन्ग है मेरा हिंदी में, और एक बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी एक हिंदी फिल्म है जिहाद, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट किया गया, उसका संगीतकार भी मैं ही हूँ, और भोजपुरी में तकरीबन मैंने 80-85 फिल्में की हैं और हर फिल्म मेरे लिए पहली फिल्म होती है, उतना ही गहराई और उतनी मेहनत से हर फिल्म को मैं करना चाहता हूँ। रतन राहा जी, गोविंद जी जो प्रोड्यूसर हैं, और इस फिल्म के सभी कलाकारों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बनाएं, एक अच्छा संगीत बनना चाहिए, संगीत अच्छे संगीत की ज़रूरत है, फिल्म तभी चलेगी जब बहुत बढ़िया संगीत बने, और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाऊंगा, ये आप लोगों को वादा करता हूं, और सभी मीडिया कर्मियों को एक बार फिर से आप लोगों का शानदार इस्तकबाल कि आप इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए।